ओके स्टूडेंट दिस इज़ रिविजन वीक वीडियोस और ये वीडियो नंबर टू है इसमें हम वीक थ्री के बारे में कुछ बातें करेंगे अच्छा जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में तो एक्चुअली uh, आपको आइडिया है और ये आपके पास वो सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप uh, देख सकते हैं uh, ताकि जो हम सर्किट्स डिस्कस करें वो आपको पता हो सो so, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पास एक यूज़र प्रोग्राम जो है जब आप एक यूज़र प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कैसे हमारे पास प्रोसेसर पे एग्ज़ीक्यूट होता है वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका होना लाजमी है ताकि हम क्या कर सकें हम ये देख सकें कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है ठीक ओके प्रोग्राम uh, जो होता है वो इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है और इंस्ट्रक्शन के जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं माइक्रो ऑपरेशन जब हम कहते हैं तो वो छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारा प्रोसेसर करता है Uh, जैसे फ़ॉर एग्जांपल आपका एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू को मूव करना वैल्यूज़ uh, को फेच करना दीज़ आर ऑल कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन ठीक हो गया अच्छा uh, हमारे पास जो एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके पास कम अज़ कम दो चीज़ों का होना लाजमी है ताकि वो एक इंस्ट्रक्शन क्या लाए जैसे आपके पास अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो उसमें ऑप कोड का होना लाजमी है एड्रेस का होना लाजमी ऑप कोड बेसिकली ऑपरेशन कोड होता है जो आपको ये बताता है कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेंट जो होता है ऑपरेंट जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ऑप कोड और ऑपरेंट मिलकर एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं इस इन इन in दो इन्फॉर्मेशन के अलावा और सी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं लेकिन इन दो दोफॉमेसन का होना लाजमी होता है यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंट नहीं है लेकिन ऑपरेंट का एड्रेस है हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो भी हमारे पास मेमरी में ही लोड होती हैं और हमारे पास जो ऑपरेंट हैं वो भी हमारे पास मेमरी में ही लोड होते हैं क्लियर हो गया अच्छा अब हमारे पास हम जब चैप्टर नंबर फाइव पढ़ते हैं तो हमने देखा कि हम आप वहाँ पर एक कंप्यूटर है प्रोसेसर का नाम बार बार लिया जाता है उस प्रोसेसर का नाम है बेसिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो ये बेसिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये है क्या ये आपके पास एक हाइपोथेटिकल uh, प्रोसेसर है जिसमें सिक्सटीन बिट वर्ड साइज़ है यानी वो सिक्सटी बिट्स का डेटा प्रोसेस कर सकता है इसी वजह से उसकी इंस्ट्रक्शन भी सिक्सटीन बिट की है इसी वजह से उसका ऑपरेंट भी यानी जिस जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो भी आपके पास क्या है सिक्सटीन बिट का है क्लियर हो गया अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेंट का एड्रेस है वो बारह बिट्स का क्यों है ऑपरेंट का एड्रेस बारह बिट्स का इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो मेमरी लोकेशन हैं इसमें वो है फोर ज़ीरो नाइन सिक्स जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है या बेसिक कंप्यूटर जो प्रोसेसर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो मेमोरी यूज़ कर रहा है वो मेमोरी यूज़ कर रहा है फोर जीरो नाइन सिक्स लोकेशन की और अगर मैं हर एक लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस देना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख लें यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरे पास क्या होनी चाहिए कि मुझे बारह बिट्स का एड्रेस होना चाहिए बारह बिट्स का ताकि मेरे पास हर एक एड्रेस यूनिक हो दिस मीन्स इसका जो पहला एड्रेस होगा उसमें ट्वेल्व ज़ीरो से होंगे और इसका जो लास्ट एड्रेस होगा उसमें ट्वेल्व वनस होंगे ठीक हो गया आ, ये चीज़ हमें समझ आ गई फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हैं इस आर्किटेक्चर में हमारे पास दो किस्म के एड्रेसिंग मोड्स हैं एक को हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं एक को हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में फ़र्क क्या है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो हमारे पास ऑपरेंट का एड्रेस होता है हम क्या करते हैं हम उस एड्रेस पर चले जाते हैं ठीक हो गया और उस एड्रेस पर जाने के बाद हमारे पास जो भी ऑपरेंट होता है उस ऑपरेंट को फेच करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है जो हमें एड्रेस गिवन होता है हम क्या करते हैं उस एड्रेस पे जाते हैं और उस एड्रेस पे जाने के बाद हम क्या करते हैं जो हमें वैल्यू मिलती है हम उसको ऑपरेंट कंसिडर नहीं करते बल्कि उसे एक और फर्दर एड्रेस कंसिडर कर लेते हैं और फिर हम उस एड्रेस पे जब जाते हैं और उस एड्रेस पे जो चीज़ मिलती है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं ऑपरेंट कंसिडर करते हैं तो ये डायरेक्ट मोड में ऐसा नहीं होता और ये जो हमारे पास प्रोसीजर है इसे हम क्या कहेंगे इनडायरेक्ट मोड डायरेक्ट मोड में हम डायरेक्टली चले जाते हैं अच्छा अब मेरा जो प्रोसेसर है वो एक सिंपल मशीन है जो एक नॉन इंटेलिजेंट मशीन है तो मुझे अपने प्रोसेसर को बताना पड़ता है कि जी ये डायरेक्ट मोड है या इनडायरेक्ट मोड है तो हम क्या कर देते हैं हम ज़ीरो प्लेस करते हैं जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन कि प्रोसेसर को जब ज़ीरो मिले तो उसको वो इस एड्रेस को ऑपरेंट का एड्रेस कन्सिडर करें लेकिन अगर मेरे प्रोसेसर को यहाँ पर वन मिलता है तो वो इस एड्रेस को ऑपरेंट का एड्रेस कन्सिडर नहीं करेगा बल्कि इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाला प्रोसीजर अप्लाई करेगा ठीक हो गया तो हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन है ज़ीरो एंड वन सिमिलरली हमारे पास मुख्तफ़ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर इन रजिस्टर्स को डिस्कस करना इसलिए लाजमी है क्योंकि हमें पता चले कि हमारे पास कैसे हमारे पास जो आ, हमारा प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है ठीक है हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं ये स्मॉल मेमोरीज होती हैं प्रोसेसर के अंदर और ये डेडिकेटेड मेमोरीज होती हैं डेडिकेटेड का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपके पास ये ख़ास काम करने के लिए बनाई गई होती हैं और हमारा प्रोसेसर ख़ास काम करता है जो हम जिस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं उसमें आठ हमारे पास रजिस्टर्स हैं और जैसे हमारे पास पहला है डेटा रजिस्टर ये जो हम ऑपरेंट को फेच करके ला रहे हैं जैसे अभी हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे हमारा प्रोसेसर ने जब उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो डी आर में रखता है ठीक है सिमिलरली ए आर मेमरी में हमारे पास जो एक ऑपरेंट पड़ा हुआ है उसका एड्रेस हमारे पास किस रजिस्टर में होगा ए आर में होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर प्रोसेस डेटा को होल्ड करते हैं यानी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको होल्ड करता है जो हम इंस्ट्रक्शन फेच करके लाएंगे वो हमारे पास आई आर में होगा ठीक हो गया प्रोग्राम काउंटर हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमें देता है टेम्प्रेरी रजिस्टर हमारे पास वो रजिस्टर होता है जो हमें क्या करता है हमारे पास टेम्प्रेरी हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको टेम्प्रेरी तौर पर होल्ड करने के लिए होती हैं हम अगर किसी इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट लेंगे तो हमारे पास इनपुट रजिस्टर में आएगा और अगर हमने कोई प्रोसेस डेटा किसी आउटपुट डिवाइस पे भेजना हो तो हमारे पास वो आउटपुट रजिस्टर में होता है इनके साइजेस भी आपको बता दूं 16 बिट हमने डीआर का ए uh, सी का आई आर का और टेंप्रेरी रजिस्टर का इसका रखा है क्योंकि हमारा वर्ड साइज़ सिक्सटीन बिट है यानी हमारा डेटा हमारा भी प्रोसेसर है इतना डेटा प्रोसेस कर सकते हैं हमने ए uh, आर का और पी सी का साइज ट्वेल्व बिट्स क्यों रखा है बिकॉज हमारे पास ये मेमरी लोकेशन है अगर मेरे पास फोर जीरो नाइन सिक्स लोकेशन से ज़्यादा की मेमरी होगी तो अकॉर्डिंगली फिर मेरे पास एड्रेस वैसे ही जनरेट होंगे सिमिलरली मेरे पास जो uh, यहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट रजिस्टर क्या है ये एट बिट्स क्यों हैं बिकॉज हम यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन एट बिट में कह रहे हैं आपकी आसानी के लिए आप ये यज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एस की एक्सटेंडेड एस की टेबल जो है वो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जो है ये आपके पास प्रोसेसर का हिस्सा है ठीक हो गया ये आपके पास प्रोसेसर का हिस्सा है और ये आपके पास क्या आ गई आपके पास मेमोरी आ गई ठीक है अब प्रोसेसर क्या करता है बेसिकली हमारे पास इन में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन को डालेगा uh, या आपके पास एड्रेस uh, आएगा तो वो यहाँ पर आएगा ऑपरेंट आएगा तो वो डी आर में आएगा तो सिमिलरली ये तमाम चीज़ें अकॉर्डिंगली चलती हैं और हमारा प्रोसेसर इनको इस तरह एग्जीक्यूट करता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन बस का कॉमन <coughs> बस जैसे मैंने अपनी वीडियो लेक्चर्स में भी कहा था हमारे पास जो बसेस होती हैं वो डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं एड्रेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं और इंस्ट्रक्शन के लिए होती हैं हमारा जो प्रोसेसर है वो एक सिंपल प्रोसेसर है जिसमें हमारे पास एक कॉमन बस है जो तीनों काम करेगी डेटा को भी लेके जाएगी इंस्ट्रक्शन को भी लेके जाएगी और हमारे पास एड्रेस को भी लेके जाएगी अब आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं मुख्तलिफ़ रजिस्टर्स इन्हीं से कनेक्ट हुए हैं और इनसे कनेक्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास रजस्टर्स हैं वो इन्हीं से वैल्यूज़ को भेजेंगे और रिसीव करेंगे सिमिलरली हमारे पास मेमोरी भी इसी बस से कनेक्ट हुई हुई है और यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है इस मल्टीप्लेक्सर का ये फ़ायदा है कि हमारे पास जब हमारे बस स्केजल हो कि किस यूनिट को जानी चाहिए तो हमने हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर लगाया है और आपको मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आती होती हैं और जो मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस बताती हैं ये कंट्रोल उसी को मिल जाता है ठीक हो गया जी ये हमारे पास कॉमन बस भी हमें समझ आ गई है और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं कॉमन बस में जब हम बात करते हैं तो हम कॉमन बस में अगर ये देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके किसी रजिस्टर से एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में वैल्यू जानी हो तो हम यहाँ पर यह बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास हर रजिस्टर में लोड लाइन होती है और ये जब लोड लाइन वन होती है तब ये रजिस्टर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है जो ये तमाम काम करता है और कंट्रोल यूनिट में ये तमाम इंस्ट्रक्शन प्रीडिफाइंड होती हैं आपकी जैसे ही सेलेक्ट लाइन्स यहाँ पर होती हैं ये कौन करता है ये भी कंट्रोल लाइन करता है आपके पास एड्रेस कौन मूव uh, करता है मेमोरी में ये करता है जो हमारे अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एक वीडियो आ रही है उसमें ये चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई गई यहाँ पर हमारे पास एडर एंड लॉजिक सर्किट है यानी ए एल यू है प्रोसेस करके रिजल्ट को कहाँ पर रख रहा है क्यूमिनेटर रजिस्टर में रख रहा है तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी क्लियर हैं यहाँ पर हम इस वीडियो को कम्प्लीट uh, करते हैं और uh, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर जाते हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें कैसे काम करती हैं इन डिटेल और ये तमाम चीज़ें आपके पास इतना कंबाइंड फॉर्म नज़र आएंगी ठीक है थैंक यू और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो भी उसमें भी क्लैरिटी हो जाए थैंक यू